इसीलिए फार्मूला के टाइम पे बोलते हैं बहुत ध्यान से देखिएगा, नहीं तो फिर ऑफलाइन क्लास के लिए आ जाइएगा। यहाँ देखिए मैं ए वैल्यू के लिए क्या करें बताइए, इस वैल्यू के लिए कौन सा वैल्यू पकड़ना है, अब बोलेंगे इस वैल्यू के लिए कौन, इस वैल्यू के लिए क्या लिख सकते हैं, ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, करेक्ट। बट इसके लिए क्या मैंने सिर्फ इस वैल्यू को लिखा या इसको मिलाकर लिखा, अगर इसको नहीं लिखते तब बोलते ना कि सर आपने स्टैंडर्ड एफ निकाल के छोड़ दिया है, हाँ ना। इसमें इसको भी काउंट में ले रहे हैं तो स्टैंडर्ड सोच रहे हैं रिएक्शन क्वेश्चन को अकाउंट में लिए या नहीं लिए, लिया है। तो रिएक्शन क्वेश्चन को अकाउंट में लेने का मतलब क्या है कि स्टैंडर्ड ईएमएफ निकाल रहे हैं या इसे निकाल रहे हैं जो कंडीशन दिया हुआ है, ये तो फार्मूला का पार्ट है ना भाई, इसलिए इसको निकाला है। आपका आवाज ठीक से नहीं आ रहा है, जोर से बोलिए स्टूडेंट। तो माइक, हाँ ऐसे बोलिएगा, अभी आवाज आपका क्लियर है, हाँ बोलिए। कैथोड का मैंने रिडक्शन पोटेंशियल जीरो लिया या उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इसके लिए जीरो लिया, कैथोड का जीरो नहीं लिया हूं, कैथोड का जीरो नहीं लिया हूं स्टूडेंट, सिर्फ उसका ए वैल्यू इस वैल्यू के लिए जीरो लिए हैं, इसके लिए जीरो लिए हैं। फिर भी आप कंफ्यूज हैं, ऐसा नहीं कि हाँ सर जोर से बोल रहे हैं तो हाँ में हाँ कीजिए, मैं एक मिनट इसको प्रूफ कर देता हूँ। यहाँ देखिए देखिए, कभी भी थोड़ा भी डाउट होता है और अगर फार्मूला दिया हुआ है पढ़ाया हुआ है, जैसे इनके आपके मन में डाउट हो रहा है कि आप तो वहाँ पे स्टैंडर्ड कर दिए, स्टैंडर्ड नहीं किया था भाई, अगर थोड़ा भी आपको डाउट होता है यहाँ देखिए, तो H प्लस कन्वर्ट इनटू हाफ एस टू, एक मिनट, यही है ना आपका हाफ सेल कैथोड। रागनी मिश्रा हाँ ना बोलते रहिएगा जब आपसे बात कर रहे हैं तो, सही है। तो ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड करेक्ट इक्वल टू ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस 0. आवाज जा रही है ऑनलाइन के बच्चे, सही है। इसका वैल्यू कितना है भाई, आप निकाल रहे रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, बट ए वैल्यू क्या होता है, जीरो वोल्ट ना। हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना, माइनस 0.0591/1 लॉग, प्रेशर कितना था भाई, 0.1 का रूट ना, 0.1 का 1 atm, तो उसका रूट लेंगे ना यहाँ पे। और एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना, 1. ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड तो माइनस 0.0591/1 log 1/10 करेक्ट। बोलिए जीरो आया आपका, यहाँ पे जो कैथोड था वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड था या हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड था, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड था तो उसका जीरो वोल्ट आया है क्या, देखिए तो यहाँ पे नहीं नहीं है ना,
तो मैंने जीरो लिया था, नहीं लिया था एक्चुअली, मैं इस वैल्यू में इस वैल्यू को निकालने के लिए यहाँ पर वैल्यू पुट किया था वो वाला, करेक्ट। अदरवाइज मुझे मेरा पूरा कैलकुलेशन सिर्फ ये वैल्यू निकाले हैं या पूरा इसको मिलाकर निकाले हैं? आवाज़ नहीं आ रही है आप लोग, बोल जिसका डाउट था प्लीज़ भाई ऑनलाइन रहिएगा तो मेरा स्पीड स्लो मत कीजिए, जिसका डाउट है जो इंटरप्ट करते हैं। अब समझ में आया? तो ये तो फार्मूला में जीरो लेना ही पड़ेगा ना भाई, ये तो फार्मूला का पार्ट ही था। आप अभी डेरिवेशन नहीं देखे क्या? डेल्टा जी इक्वल डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, ये तो फार्मूला का पार्ट था, इसको तो लेना पड़ेगा राइट। बट मेरा वैल्यू तो ये है ना, ये तो लेना पड़ेगा राइट, दिस इज अ पार्ट ऑफ द फार्मूला। बट हम लोग यहां से ही तो आया था, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन लॉग क्यू राइट। तो अब जो हम लोग निकाल रहे हैं वो ये निकाल रहे हैं या ये निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं? ये निकाल रहे हैं, बट इसमें ये वैल्यू तो पुट करना पड़ेगा, करेक्ट है? तो ये वैल्यू तो पुट करेंगे ही करेंगे, बट ये निकाल रहे हैं या ये निकाल रहे हैं? अरे ये निकाल रहे तो सिर्फ यही निकाले या इसका पूरा कंबाइंड इफेक्ट निकाले? इसमें सब कुछ आ गया ना, टेम्परेचर आ गया, कॉन्सेंट्रेशन आ गया, सब कुछ तो आ गया, करेक्ट। अब बोलिए सर इसमें फिर क्यों पुट कर रहे हैं? तो लाएंगे कहाँ से? ई नोट तो पुट करना पड़ेगा, इसमें क्या पुट करना पड़ेगा सर? ई नोट क्यों पुट कर रहे हैं? कंडीशन तो आपने स्टैंडर्ड बना दिया, स्टैंडर्ड कहाँ बनाया? ई नोट तो पुट किया, साथ में ये भी तो वैल्यू लाया, इस वैल्यू के अंदर तो दूसरा कंडीशन है, करेक्ट। अदर टेम्परेचर है, दूसरा कॉन्सेंट्रेशन है। अगर कंडीशन स्टैंडर्ड रहेगा, अगर कंडीशन स्टैंडर्ड रहेगा तो पूरा टर्म ही जीरो हो जाएगा। हाँ ना, कुछ बोलिए भाई। अगर कंडीशन मेरा स्टैंडर्ड रहेगा पूरे बैटरी का तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। बोलिए क्यों? क्यू का वैल्यू सर वन हो जाएगा। क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा? लॉग वन कितना? जीरो। तब ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल हो जाएगा। बट इसका वैल्यू अगर जीरो नहीं होता है तो सिर्फ ई सेल में यही वैल्यू रहेगा या ये मिलाकर दोनों कंबाइंड इफेक्ट रहेगा? कंबाइंड इफेक्ट रहेगा, समझे। बट इसमें वैल्यू निकालने के तो ई नोट का ही तो लेना पड़ेगा पहले, साथ में इसको भी लेंगे, करेक्ट। सही है। कितना वैल्यू आया कैलकुलेट करके? आंसर आया? वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड बनाइए। हो गया है एक तेजी सेल तो सॉलिड दिया हुआ है, क्वेश्चन में तो मेंशन भी किया हुआ है। कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ फॉलोइंग हाफ सेल एट 25 डिग्री से। हम लोग एक जो वीडियो फॉलो करते हैं उनके लिए बच्चे एक क्लास टाइम का एक्सरसाइज थी देख रहे हैं, क्वेश्चन टू का ए लेते हैं। टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सी का, मतलब ये मत सोचे कि स्टैंडर्ड है, सिर्फ स्टैंडर्ड कंडीशन 25 डिग्री सी होता है या साथ में कॉन्सेंट्रेशन भी होता है? कॉन्सेंट्रेशन भी होता है। और थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन अगर कहीं पे प्रिंट आउट में मिस्टेक हुआ होगा ये देख लीजिए, 180 HCl 0.1 m। इसी क्वेश्चन से लेते हैं, तो क्या दिया हुआ है, कौन सा सेल दिया हुआ है भाई? रिडक्शन कैथोड बना के दिया हुआ है या एनोड? सबसे पहले ये डिसाइड कर लीजिए, एनोड बना के लेफ्ट से राइट जाने के बाद पता चलेगा राइट। H2 से H+, H2 से H+, तो ये है
एच टू कन्वर्टेड इनटू व्हाट, टू एच प्लस। इसके लिए ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है कि सर यहाँ पे एच टू लिखे हैं या हाफ एच टू लिखे हैं, क्यों कोफिशियंट फर्क नहीं डालेगा, इसलिए तो किए थे ना, अदरवाइज आप सोचते रहते हाफ एच टू करते तो अच्छा रहता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ई सेल पे, करेक्ट है। तो ई सेल इक्वल, अब यहाँ पे क्या ओ पी, बात तो समझिएगा, तो यहाँ पे क्या लिखना है ई नॉट ओ पी, अब माइनस 0.05 25 डिग्री है तो इसका लाभ उठाएंगे कितना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस 2 और लॉग, बोलिए क्यू का वैल्यू कितना लिखिएगा, एच प्लस का स्क्वायर डिवाइड बाई प्रेशर ऑफ एच टू, एच प्लस का स्क्वायर कितना, अब सर एच प्लस कहाँ से मिलेगा, तो एच प्लस एच सी एल से मिलेगा, अरे एच सी एल कैसा इलेक्ट्रोलाइट है सर, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो अगर एच सी एल का 0.1 है तो डिसोसिएट होकर 0.1 ही देगा, एग्री ना। बट मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई इसके जगह पे, बातों को यहाँ भी समझिए, अगर कोई बीक मुझे सपोज कीजिए कि एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन लेना है और साथ में इक्विबियम भी लेना है, क्या लेना है, तो यहाँ पे बीक एसिड देता, क्या देते बीक एसिड, और इसका के देते और इसका कॉन्सेप्ट देते, तब तो यहाँ पे इस प्रश्न निकालने के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो इक्विबियम का भी कॉन्सेप्ट चेक हो गया और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट मिला देते, समझ में आया। इस बैलेंस इक्वेशन में क्या सी एल माइनस है, तो क्या सी एल माइनस का यहाँ पे वैल्यू पुट करने का रिक्वायरमेंट है, आपको तो बैलेंस वाला में पुट करना है ना, जो है उसी को, राइट, ऐसा नहीं कि यहाँ पर सर सी एल माइनस है तो उसको क्या करें, तो उसका मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, इससे हाफ सेल में आया ही नहीं सी एल माइनस, राइट, समझ में आ रहा है, मुझे तो एच प्लस से मतलब था, बट एच प्लस का सोर्स एच सी एल है और एच सी एल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो उसका यहाँ पर हम लोग ऐसे कर लेंगे, ठीक है, कितना हो जाएगा 0.1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1, 0.1 का स्क्वायर कितना होता है 1 × 10⁻², पुट कर दीजिए, ए वैल्यू कितना रागनी मिश्रा, 0, एस एच ई का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो या रिडक्शन पोटेंशियल हो 0 ही होता है, करेक्ट है ना, तो 0 और माइनस 0.0591/2 log 10⁻², माइनस टू कोई बाहर ले आए, माइनस माइनस बिकम्स प्लस, और log 10 कितना हो जाएगा 1, तो फाइनल आंसर कितना हुआ भाई, यही तो आंसर होना चाहिए, ठीक है, आंसर है इतना, तो बी बनाइए, और सारा क्वेश्चन बनाने के लिए आपको रिएक्शन लिखना है, दिस इज द रीजन कि आपको रिएक्शन लिखने के लिए सेकंड एक्सरसाइज और फर्स्ट में सिखाए थे, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का प्रॉब्लम बनाने के टाइम पे आपको रिएक्शन बैलेंस करने में प्रॉब्लम नहीं हो, बिना रिएक्शन लिखे हुए कोई वैल्यू नहीं निकालेंगे। ऐसे निकाल भी नहीं सकते हैं बिना रिएक्शन लिखे हुए, रिएक्शन क्वेश्चन कैसे लिखिएगा, बिना रिएक्शन लिखे हुए रिएक्शन क्वेश्चन होगा नहीं होगा, एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, 2, 3 दो बन जाएगा तो 2 के बाद 3 बनाइए, 3 बन जाएगा तो 4 बनाइए, 4 बन जाएगा तो 5 बनाइए,
चलिए इसमें टाइम लगेगा भाई, एक मिनट रुक जाइए, इसे प्रॉपर टाइम देना है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, घर पे जाकर इसको बनाना पड़ेगा। इसका एक एक क्वेश्चन मैं लूँगा बोर्ड पे, ठीक है। अब लिखिए स्पॉन्टेनिटी ऑफ सैलरी, ऐसे लिखिए प्रिडिक्शन ऑफ स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए सेल रिएक्शन, प्रिडिक्शन ऑफ स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए सेल रिएक्शन। कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, करेक्ट। ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्या मिला है, कोई भी प्रोसेस नेचर में और खुद से हो रहा है, करेक्ट, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्पॉन्टेनियस, राइट। तो वहाँ से इंट्रोपी का कॉन्सेप्ट आया था, और वहाँ लेकिन यहाँ पे अभी सिर्फ मुझे इससे काम चल जाएगा। तो हम लोग का अभी टॉपिक क्या है, इस पर क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, निटी ऑफ ए सेल रिएक्शन। बातों को समझिएगा, अगर डेल्टा जी निगेटिव है, क्या है, तो अगर डेल्टा जी निकाले, अगर साइन निगेटिव आ गया तो सेल रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको और भी बढ़िया से थर्मोडायनेमिक्स में समझेंगे। तो डेल्टा जी निगेटिव तो मेरा सेल रिएक्शन क्या रहेगा, स्पॉन्टेनियस, करेक्ट। और डेल्टा जी निगेटिव तो ई सेल क्या पॉजिटिव रहेगा, करेक्ट है ना। तो हम लोग का ये तो कॉन्सेप्ट ही था कंस्ट्रक्शन ऑफ बैटरी में, इस तरीके से बैटरी बनाएं कि इसल क्या आ जाए, पॉजिटिव, करेक्ट। और अगर इसका मतलब है कि अगर डेल्टा जी निगेटिव आया तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपका रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस है, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में नॉन स्पॉन्टेनियस है, नहीं समझे, खुद से किधर नेट किधर जाना चाह रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और डेल्टा जी अगर निगेटिव आया है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर स्पॉन्टेनियस है मतलब अभी इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुंचा है, करेक्ट है ना। और अगर डेल्टा जी पॉजिटिव, डेल्टा जी नोट बोल रहा हूँ या डेल्टा जी बोल रहा हूँ, डेल्टा जी, और अगर डेल्टा जी पॉजिटिव तो क्या बोलिएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस, राइट। इसका मतलब कौन सा डायरेक्शन में रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो बैकवर्ड में स्पॉन्टेनियस हो सकता है, करेक्ट है ना। बट एग्जाम में अगर आएगा कि डेल्टा जी पॉजिटिव हो गया तो डायरेक्टली लिख दीजिए नॉन स्पॉन्टेनियस ऑप्शन में, ठीक है, ऐसा नहीं कि उसको करेक्ट करना छोड़ दीजिए, नहीं फॉरवर्ड तो नॉन स्पॉन्टेनियस, तो बैकवर्ड स्पॉन्टेनियस, वहाँ फॉरवर्ड के लिए वो बात पूछा गया था, किसके लिए पूछा गया था, फॉरवर्ड के लिए, करेक्ट है। तो ये पॉजिटिव तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव। इसका मतलब है उसकी सेल रिएक्शन के लिए डेल्टा जी ना निकाल के ई सेल का साइन से भी बता देंगे, डेल्टा जी का साइन से बताइए या ई सेल का साइन से बताइए, डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट। और अगर डेल्टा जी का वैल्यू जीरो तो ई सेल भी क्या रहेगा, जीरो रहेगा, मतलब रिएक्शन एट विच पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब आपका बैटरी डेड हो गया, तो अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ गया मतलब आपका बैटरी क्या हो गया है, मैंने ये नहीं बोला कि रिएक्शन रुक गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब रिएक्शन स्टैटिक होता है या डायनेमिक रहता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे रिएक्शन हो रहा है बट बैटरी डेड है, क्योंकि दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम पोटेंशियल पे आ गया है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, ठीक है। अब लिखिए डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यहां देखिए स्टूडेंट,
मान लेते हैं कि ए ठीक है ना, अभी q इक्वल टू ए रहेगा, लेट अस सपोज दिस वन, मान लीजिए, और अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आएंगे तो एट इक्विलिब्रियम पॉइंट q q रहेगा या नाउ इट बिकम्स k, इक्विलिब्रियम पॉइंट हो तो क्या बोलिएगा, रिएक्शन कांस्टेंट बोलते रहेंगे या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोल देंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोल देंगे, करेक्ट है ना। तो एट इक्विलिब्रियम पॉइंट q बिकम्स व्हाट, k इक्विलिब्रियम, बट उस टाइम कॉन्सेंट्रेशन भी किस टाइम का रहेगा, बोलिए भाई बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट का, तो कॉन्सेंट्रेशन लीजिएगा t इक्वल टू जीरो का, या इक्विलिब्रियम टाइम का ही लगेंगे, राइट। हो गया ना, यहां देखिए E सेल इक्वल टू E नॉट सेल माइनस कितना एन एफ लॉग क्या रहेगा क्यू, करेक्ट। एट इक्विलिब्रियम पॉइंट E सेल का वैल्यू क्या लिखते हैं एवरीवन, बोलिए ऑनलाइन के बच्चे कुछ तो बोलिएगा, जीरो, देन ई नॉट सेल माइनस 2.33 आर टी वाई एन एफ लॉग, अब क्यू लिखें या के लिख दें, के हो जाएगा, करेक्ट। तो 2.303 आर टी वाई एन एफ देखिए, तो कहीं पे मिस्टेक तो नहीं हुआ है, सही है, बोलिए हाँ ना। अभी भाई सर एक कैलकुलेट कर लेंगे, बट उस पर केयरफुल रहिएगा, यहाँ पे आप कूलम लेंगे तो यहाँ पे 8.314 लीजिएगा, ठीक है, और नहीं तो ये वैल्यू तो पता ही है सर, 25 डिग्री रहेगा तो 0.05, और यहाँ से ये वैल्यू पूरा कैलकुलेट करने के बाद राइट हैंड साइड का क्वान्टिटी एंटी लॉग ले लेंगे, क्या लेंगे, एंटी लॉग लेने के लिए सीखेंगे, लॉग टेबल देखने के लिए, आज से कल के बीच में लॉग टेबल देखने के लिए सिखा दूंगा, ठीक है, सबके पास लॉग टेबल तो है ना, प्रिंट आउट निकाल के रेडी रहिएगा। चलिए, तो यहाँ से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकल जाएगा भाई एवरीवन। तो एक्सरसाइज 4 ध्यान से लिख लीजिएगा, वहाँ पे एक्सरसाइज 4 रहेगा स्पॉन्टिनिटी पे क्वेश्चन, और एक्सरसाइज 5 रहेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे, लिख लीजिए भूल जाइएगा। यस, अब हेडिंग बनाइए कॉन्सेंट्रेशन सेल, कॉन्सेंट्रेशन सेल नाम सुने हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, कॉन्सेंट्रेशन सेल, देखिए इस फार्मूला यहाँ पे नहीं भी याद करते हैं, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट याद कर लीजिएगा ना तो काम चल जाएगा एग्जाम में, कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पे सेल क्या होता है, और हाथों हाथ डिराइव कर लीजिएगा कि फार्मूला ये है, ठीक है, बट मैं मेडिकल क्वेश्चन में देखा डायरेक्ट ये फार्मूला ये ऑप्शन पूछा हुआ है, इक्विलिब्रियम पॉइंट रिलेशन क्या होगा, तो नहीं निकाल लेंगे, हो जाएगा ना।
इस पे 2010 में एक आईआईटी एडवांस में क्वेश्चन पूछा हुआ है कॉन्सेंट्रेशन सेल पे, और सबसे बड़ा एग्जांपल कॉन्सेंट्रेशन सेल का बोलिए साहब भाई, जो एक बार क्लास कर लेता है उससे होप थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, नहीं क्या होगा? और जो क्वेश्चन पूछा हुआ आईआईटी का वो ह्यूमन बॉडी का पूछा हुआ है। हम लोग बॉडी में जो सेल है ना, सेल सेल समझते हैं, बैटरी नहीं बट वो भी एक सेल ही है। तो जो हम लोग बॉडी में जो सेल है ऑल्सो बिहेव लाइक ए बैटरी, और उस सेल का नाम है कॉन्सेंट्रेशन सेल। करेक्ट सर, कैसे प्रूफ कीजिए? तो वहाँ पे पूरा एक्चुअल मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे कट करते हैं तो इसका इन्फॉर्मेशन यहाँ गया, कैसे गया तो कुछ तो अच्छा, यहाँ कट करने से बायो के टर्म में आप कुछ बोल रहे होंगे बट मेरे केमिस्ट्री के टर्म में हो गया कि आयंस का कुछ होगा मूवमेंट, आयन जाके वहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा। आयन मूवमेंट कैसे करेगा भाई? आयन का मूवमेंट होगा ड्यू टू क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक्चुअल में जितना भी सेल है ऑल्सो बिहेव लाइक ए छोटा छोटा बैटरी, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन सेल। समझ गए? इसी को फ्रेम किया हुआ था और इसमें 3 क्वेश्चन था, फ्री में मार्क्स था, इतना आसान क्वेश्चन पूछा हुआ है। जैसे समटाइम्स क्या होता है ना, हम लोग चीज़ों को कोई हवा बना दिया कि हाँ बहुत टफ है टफ है, उस तरीके से एकदम सिस्टमेटिक पढ़े ही नहीं। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम चीज़ों को तोड़ तोड़ कर पढ़ रहे हैं। पहले सेल रिएक्शन लिखना सीखे, फिर सेल को सजाना सीखे, प्रेजेंट करना राइट, कैसे लिखते हैं, फिर कोफिशियंट का क्या फ़र्क पड़ेगा, हर एक चीज़ को अगर तोड़ कर देख लिया जाए और पूरा चैप्टर ट्रांसपेरेंट एकदम एक चीज़ क्लियर है, तब क्वेश्चन फिर टफ नहीं रहता है। इलेक्ट्रो केमिस्ट्री पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में हो रहा है तो कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, जस्ट लाइक मोल कॉन्सेप्ट, बट एट द सेम टाइम इंटरेस्टिंग है। पहला पॉइंट लिखिए, द सेल हुज इनोड सेल इज जीरो, द सेल हुज इनोड सेल इक्वल टू जीरो, ई सेल नहीं इनोड सेल इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन सेल। देखिए नाम से ही नहीं लग रहा है कि अच्छा पूरा ईएमएफ के लिए सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन रिस्पॉन्सिबल रहेगा, पूरा ईएमएफ के लिए क्या रहेगा? कॉन्सेंट्रेशन। नाम ही इसे पता चल रहा है तभी तो नाम दिया गया कॉन्सेंट्रेशन सेल राइट, मतलब वो इस ई नोट पे भी डिपेंड नहीं करेगा, तभी बोला गया है द सेल हुज नोट सेल इज व्हाट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से ही अब पता गया, ओके सर ई नोट सेल अगर जीरो रहेगा इसका मतलब है ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड इक्वल टू जीरो इंप्लाई व्हाट, ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड बिकम्स इक्वल टू व्हाट, ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। एक का पॉसिबल है कि कैथोड और एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल कम हो जाए, ये तभी पॉसिबल है जब कैथोड और एनोड दोनों इलेक्ट्रोड सेम मटेरियल का हो, वहाँ ना कुछ बोलेंगे ही नहीं। आप लोग बचपन में कहानी नहीं सुने हैं कहाँ पे हाँ बोलना है कहाँ पे ना बोलना है राइट ये कब पॉसिबल है? जब बहुत चीज मिसिंग है भाई, कभी कभी ऐसा लगता है ना कि बिल्कुल इनएक्टिव एलिमेंट है सर आके बैठ गए, सर आगे वही सब काफ़ी समझिए ठीक है। और ऑनलाइन वाले तो और भी ज़्यादा हैं, वो होता है ना एकदम गाड़ी चला रहे हैं ब्रेक पे एकदम एक्सीलेटर पे डाल दिए पत्थर बस
ब्रेक व्रेक से कोई मतलब नहीं है। अनम्यूट करके, कभी कभी अनम्यूट करके छोड़ देते हैं, कभी कभी म्यूट करके छोड़ देते हैं, कुछ भी नहीं बोलते हैं भाई, नॉट ए सिंगल वर्ड। और आज जो बोलते थे वो भी एबसेंट हैं, साहिल और सनी, वो बेचारा गंदा माहौल बना के रखते हैं। जो भी हो कुछ तो माहौल बना के रखते हैं, हमको लगता है कि हाँ कुछ है, कोई पीछे है सुन रहा है। चलिए यहाँ देखिएगा, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे ध्यान से देखिए, सपोज कीजिए कि यहाँ पे अगर एक ए है एनोड और ए है कैथोड, और दोनों जगह पर अगर मैं ZN और ZN2 प्लस, करेक्ट, सेम रॉड यूज किया, मेटल एंड इट्स आयन, मेटल में जिंक उसका आयन, यहाँ भी मेटल में जिंक आयन, कॉन्सेंट्रेशन सेम है या नहीं है मुझे नहीं पता अभी है, बट ये इलेक्ट्रोड सेम टाइप का है, कैथोड का अभी। और तो जब इनोड लिखेंगे तो इसका तो इनोड यही रहेगा ना भाई, तो इसका भी लिखिएगा तो ये लिखिएगा, इसका भी लिखिएगा तो यही लिखिएगा, तो डिफरेंट होगा या सेम होगा? सेम होगा। इसका मतलब समझ में आया, इन जनरल कॉन्सेंट्रेशन सेल में इलेक्ट्रोड और कैथोड सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड से बना हुआ था होता है, इलेक्ट्रोड सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड से, द सेम मटेरियल मेटल, और अगर उसका आयन है तो यहाँ पे जिंक रहेगा, तो यहाँ भी क्या रहेगा? मोटा मोटी मान के चलिए, एक लाइन लिख लिया जाए यहाँ पे, इन जनरल इन कॉन्सेंट्रेशन सेल कैथोड एंड एनोड आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड, कैथोड एंड एनोड आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड। मैं रिएक्शन इंटरमीडिएट और सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट का डाउट क्लास लेने जा रहा हूँ, आप किसी दिन नेक्स्ट वीक में, तब तक कुछ टाइम दे देते हैं, जितना भी डाउट है वो कलेक्ट कर लीजिएगा, दोबारा नहीं लूँगा, और दोबारा पर्सनली पूछने आइएगा तब भी नहीं बताऊँगा, डाउट एक बार अगर क्लियर हो गया तो आप डाउट कलेक्ट कर लिए होंगे, ये सब बोलना पड़ता है प्रेशर बढ़ाने के लिए, बताएंगे ही लेकिन थोड़ा बहुत तो प्रेशर बढ़ाना पड़ता है, तो सर जितना भी डाउट है ना वो ले आइएगा, और वो बैलेंस शीट है उससे आपका काम चल जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड का भी कुछ बच्चे बोल रहे थे कि जो पेपर में आया है कुछ डाउट है, एक काम करते हैं ना, तो नेक्स्ट टाइम से इसको डिसिप्लिन, यहाँ 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 सुनिए, बाद में पेन एक्सचेंज कीजिएगा। तो नेक्स्ट टाइम से इसका डिसिप्लिन रूटीन ही बनाते हैं कि जो टेस्ट, जो पार्ट टेस्ट चल रहा है, तो 10 दिन पे एक टेस्ट होता है, आज अगर टेस्ट होगा तो उसका अगला दिन या अगला के अगला दिन, एक दिन तो आप लोग को भी सांस लेने का टाइम मिलेगा, तो एक पूरा क्लास ही डाउट क्लास रहेगा एक दिन कंप्लीट। उससे क्या हो कि आपको कॉन्फिडेंस मिल जाता है कहाँ कहाँ पर मैंने मिस्टेक करो, तो सबसे एक डाउट पेपर का तो डिस्कशन होना ही चाहिए स्टूडेंट, बट टाइम का फाइट हो जाता है। सही तरीका तो बैलेंस ये है कि टेस्ट लेने के बाद अगला दिन कहाँ कौन कौन सा क्वेश्चन नहीं बना, देखो इसमें ये होना चाहिए, इसमें ये होना चाहिए था, वो सबसे फ्रूटफुल काम है। तो ये होता है सही तरीके से तैयारी, तो हम लोग टीचर नहीं करते थे लेकिन हम लोग खुद ही उसको एनालाइज करते थे घर पर बैठ कर, इतना एक्साइटमेंट होता था कि सुबह क्वेश्चन दिए, देखिए मेरा क्या है था, नहीं रिकॉर्ड होना चाहिए, कुछ कुछ बात ऐसा रहता है कि जो पर्सनल हो जाता है।
सेमीकंडक्टर के बाद सर पढ़ाएंगे, सेमीकंडक्टर के बाद सर पहले क्लास लेंगे वेव थ्योरी ऑफ लाइट का। वेव थ्योरी ऑफ लाइट मैं भी पढ़ाऊंगा बट सर भी एक बार पढ़ा देंगे। बोले क्यों? ट्वेल्थ वाले बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से उनका थोड़ा सा टेंशन फ्री हो जाएगा बोर्ड के लिए, बट जब मैं वेव पढ़ाना स्टार्ट करूँगा तो एक लाइन से तीनों टॉपिक लूँगा, वेव इन स्ट्रिंग, वेव इन साउंड एंड वेव थ्योरी ऑफ लाइट। अरे आपके जोन में रहेगा। अब मेडिकल में तो फार्मूला पुटिंग रहता है वेव का क्वेश्चन, मतलब एक बार देख लिए और फार्मूला कमांड में हो गया तो पक्का बनेगा ही बनेगा। बट फार्मूला उसी को पुट करने आएगा ना जो थ्योरी पढ़े हुए हैं। प्रोजेक्टाइल का ऐसे फार्मूला पुट हो जाएगा? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ही समझ में नहीं आएगा कि मूविंग फ्रेम से क्या रहेगा, ग्राउंड से क्या रहेगा। तो फार्मूला पुटिंग हो रहा है, लेकिन फार्मूला पुटिंग तभी आपको आएगा जब आपका देखा हुआ रहेगा थ्योरी एक बार। अब बहुत इंटरेस्टिंग भाई, आप लेवल तक टफ नहीं है फिजिक्स, ये कोई माहौल में कुछ गड़बड़ कर दिया है सराउंडिंग में कोई बोलकर। और उसमें सबसे बड़ा गड़बड़ तो ये है कि मैथ नहीं पढ़ाते हैं फिजिक्स पढ़ाने से पहले, ग्राफ ही नहीं समझ में आता है और स्ट्रेट लाइन में ही उलझे हुए हैं, कहाँ पे ऐसे जाएगा कहाँ पे ऐसे जाएगा। तो वो मिस्टेक था जिसको हम लोग ओवरकम किए, पहले मैथ पढ़ाया। अब धीरे धीरे करके इंटरेस्ट आएगा। इसी तरीके जिस इफिशियंसी से अभी आप क्लास कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं ना डू एंड डाई वाला सिचुएशन से, राइट, इसी इफिशियंसी से अगर कोई दो साल क्लास कर लेते या तीन साल कर लेते तो नहीं लगता कि आप कमाल का अभी तैयारी में रहते? मतलब सेम डेडिकेशन एकदम, जितना डेडिकेशन में अभी आपका है कि नहीं करना ही है कुछ लाइफ में करना है तो वैसा ही चाहिए। तो इंट्रेंस एग्ज़ाम जिसका IIT वगैरह निकलता है ना उद्योग वन से वैसे ही करता है, उसका अलग दुनिया बना रहता है, उस दुनिया में और किसी का एंट्री नहीं है, तो करना ही है। नहीं तो कभी पटना और दिल्ली घूम के आइएगा, जो लोग IAS की तैयारी करते हैं, जो लोग IIT की तैयारी करते हैं और जो बैचलर रहते हैं PG में, तो वहाँ पे किस तरीके से होता है। बहुत पागलपन चाहिए भाई, जुनून चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। तो हम लोग स्टार्ट क्या किए हैं एवरीवन, तो आपको बना के क्या आना है एक्सरसाइज 3, वही डिस्कस करूँगा पहले। एक्सरसाइज 3 नेक्स्ट क्लास में, मैं थ्योरी नहीं पढ़ाऊँगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। एक्सरसाइज 3, एक्सरसाइज 4, एक्सरसाइज 5। 3 किस पे है? ECL निकालने के लिए। और उसके बाद 4 किस पे है? स्पॉन्टेनिटी। और 5th किस पे है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट।